दोस्तों वेलकम टू पावर एस, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। और अभी जो आप देख रहे हैं वो आप एक नॉर्मल हाईवे देख रहे हैं। अब इस हाईवे में जो आप नज़र डालेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको बुलेरो देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिल रही है क्रेटा। अब इन दोनों गाड़ियों में एक सिमिलैरिटीज़ है कि ये एसयूवी सेगमेंट में आती है, जहां पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180 मिलीमीटर से ज़्यादा मिलता है, जहां बुलेरो का 180 मिलीमीटर ही है और क्रेटा का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जब आप इंडिया में एक एसयूवी लेने जाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी एक खुशी आपको देखने को मिलती है, वो है आपकी गाड़ी में अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं अगर उसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो ये जो गाड़ी है ये है होंडा की सिविक, अपनी गाड़ी है, तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम है, 170 मिलीमीटर था। उसके बाद सस्पेंशन में थोड़ा सा ज़्यादा प्ले आ जाता है, तो आप देख सकते हैं बॉडी में कितने ज़्यादा डैमेजेस आ जाते हैं। वही चीज़ क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आपको एक गाड़ी दी जाए जिसमें 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। जी हाँ, जो आपके सामने गाड़ी है ये है निसान की किक्स। आप इस गाड़ी को ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़, और क्योंकि ये क्रेटा सेल्टोस से ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगी इन कंपैरिजन टू अगर आप चलाए इसको किसी भी ख़राब रास्ते में या फिर किसी भी टूटी फूटी सड़क में, वहाँ पर ज़्यादा एक आपको प्लश फील करवाए, तो क्या आप एक ऐसी गाड़ी में जाना पसंद करेंगे? हाँ, इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो आपको कंपेरिजन टू क्रेटा सेल्टोस ज़्यादा हैवी फील होगा। वहीं बात आ जाती है कुसाग और टाइगुन को भी आप इस कंपैरिजन में ला सकते हैं, क्योंकि ये सेम ही सेगमेंट में गाड़ी है। और ये जो वेरिएंट है ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलता है टर्बो इंजन के साथ। ऑन रोड गाड़ी लगभग आपको 17 लाख के आसपास पड़ जाएगी। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी जहां पुरानी क्रेटा थी, वहीं बुलेरो थी और ये थी होंडा सिविक। अब ग्राउंड क्लियरेंस का अगर रोल इंडिया में रहता तो ये गाड़ी ज़रूर कामयाब हो जाती। इस गाड़ी की वेटिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही इसकी उतनी ज़्यादा बुकिंग्स है, लेकिन फिर भी जो सिलेक्टेड बायर्स हैं वो इस गाड़ी को बाई करना पसंद करते हैं। जिनके पास पुरानी टेरानो रही है वो इस गाड़ी को एक्सचेंज में लेना पसंद करते हैं, एक अपग्रेड वो चाहते हैं और वो सिमिलर इसी सेगमेंट में चाहते हैं। अब कंपनी जब स्टार्टिंग में किक्स को लाई थी जहां टेरानो को रिप्लेस करना था, वहां पर इनके पास डीजल इंजन का ऑप्शन था। डीजल इंजन के ऑप्शन होने से जो इस सेगमेंट का एक करेक्टर है, जो डीजल एसयूवी है, वहाँ पर कस्टमर्स को एक और श्योरिटी मिल जाती थी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ। हाँ भाई साहब, पावरफुल डीजल इंजन भी मिल रहा है जिसकी रनिंग कॉस्ट भी कम होगी, गाड़ी का इंजन भी रिलायबल है क्योंकि वो इंजन पहले टेरानो में आ चुका था, डस्टर में भी रहता था, तो पावरफुल भी 110 PS के आसपास पावर, अच्छी खासी पावर थी, 1500 CC का डीजल इंजन था। लेकिन BS6 आने के साथ साथ कंपनी ने अपने पैर थोड़े पीछे करे, ना ही वो उसको BS6 इमिशन नॉर्म्स के हिसाब से एक तरीके से रीट्यून करना चाहती थी, उसका कैलिब्रेशन नहीं करना चाहती थी, ना ही वो R&D में ज़्यादा खर्चा करना चाह रही थी। वही निसान ने भी करा, वहाँ पर आपको जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन था वो देते रहे और एक नया एडवांस्ड एक इंटरनेशनल इंजन 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि मैनुअल और CVT दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आपको किक्स में ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जहाँ एक डीजल SUV का करेक्टर था जो निसान ने पहले से एक तालमेल बनाया हुआ था, वहाँ किक्स के साथ वो उनसे छूट गया। जो डीजल कस्टमर्स थे वो पीछे हट गए, क्योंकि उनको जैसा भी एक मैंने कहा ना, क्योंकि जो इसका कस्टमर होगा वो ऐसा कस्टमर होगा जो सेंसिबल बाई करता होगा, जिसको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करनी होती है या फिर जो भी एक ख़राब रास्तों में चलाए, वहाँ वो पेट्रोल SUV को ले जाना पसंद नहीं करेगा। हाँ, होने को अभी मार्केट जो बन रही है इंडिया में, चाहे आप नेक्सॉन की देख लीजिए या फिर जो भी देख लीजिए, वहाँ पेट्रोल SUVs को अपनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी डीजल का जो अपना वर्चस्व है, उसका जो एक फील है, वो अभी भी लोग समझते हैं कि डीजल SUV अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर हमें एक ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी, ज़्यादा टॉर्की नेचर मिलता है, ज़्यादा गियर शिफ्टिंग नहीं मांगता इंजन, और उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी आपको ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो दूसरा जो फैक्टर हमारे सामने आया है जहाँ पर है इंजन का, वहाँ पर निसान मिस आउट कर गई। यही कारण हो सकता है कि किक्स को अभी थोड़ा सा अपना जो एक कस्टमर्स का प्यार है उतना नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन वही चीज़ अगर आप मैग्नाइट में देखेंगे, जहाँ पर कोई भी डीजल का ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई CNG का ऑप्शन है, फिर भी आप देखिए कस्टमर्स एक एक साल तक इसकी वेटिंग कर चुका है। अभी तो लगभग दो दो महीने, एक एक महीने में आपको जो निसान का प्रोडक्शन प्लांट है उसकी फुल कैपेसिटी में चलने के बाद काफ़ी अच्छी एक कम वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिल रही है। लेकिन उस गाड़ी का जो कस्टमर बेस है वो अलग है, उसको डीजल अगर आप नहीं भी देंगे, वही हाल नेक्सॉन का भी है, डीजल नहीं भी देंगे उसको इलेक्ट्रिक भी दे देंगे तो वो चल जाएगा। लेकिन ये जो गाड़ी है इसका कस्टमर ऐसा रफ एंड टफ कस्टमर है, यही सेम कस्टमर बाद में थार में भी जाता है, इसुजुकी वी क्रॉस में भी जाता था, और अभी जो टोयोटा की फॉर्चुनर है या फिर जो टोयोटा की हाइलक्स इंडिया में लॉन्च होने वाली है, वो भी यही कस्टमर जाएगा, जो कि श्योर शॉट है। अब निसान की तीसरा फैक्टर की बात करते हैं, वो है इस गाड़ी के लुक्स। अब लुक्स में इस गाड़ी का ऐसा है कि निसान ने थोड़ा सा तो नेगलेक्ट किया है इस गाड़ी को। देखिए, आज तक मैग्नाइट को लॉन्च हुए 1 साल हो गए और अभी तक इस गाड़ी का जो फ्रंट का लोगो है वो अपग्रेड नहीं हुआ है, जो कि
हो जाना चाहिए था, एक फ्रेश लुक इसको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये थाईलैंड में भी बिकती है जहाँ पर ऑफ रोड एसयूवीज़ की बहुत बड़ी मार्केट है, और निसान को वहाँ टॉप नंबर पर रखा जाता है, और टोयोटा शायद ही निसान के लेवल पर है वहाँ, क्योंकि निसान वहाँ बहुत सारे फीचर्स दे रहा है। तो यहाँ पर भी एक मैग्नाइट वाला फ्रेश लुक के साथ आपको किक्स को ऑफर करना चाहिए। लाइट्स इसकी बहुत शानदार है, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आती लाइट, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, और गाड़ी की साइड प्रोफाइल में कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर भी एक रोड प्रेजेंस गाड़ी में मिलती है, और पीछे का जो लुक है काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, और काफ़ी लोग इसको चाहेंगे कि इसको थोड़ा बॉक्सी करेक्टर दिया जाए और थोड़ा सा शार्प करेक्टर दिया जाए। तो जहाँ वीडियो स्टार्ट हुई थी कि क्या आप एक ऑफ रोडिंग करने के लिए क्या ग्राउंड क्लियरेंस के ही ऊपर आप एक गाड़ी को लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो हमारे चैप्टर है उसके पेजेस आपके सामने खुल रहे हैं, और रिक्वेस्ट बटन इसमें दोनों साइड आपको मिलता है। जहाँ कुशाक में आपको एक फ्रेश इंटीरियर मिला है, टाइगुन में भी वही हाल है, क्रेटा सेल्टोस में भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो किक्स है उसका इंटीरियर अभी भी वही जो 2015 वाला एक अपना एरा था उसी में रुका रह गया है। तो यहाँ पर भी एक फ्रेश इंटीरियर हम मांगते हैं ज़रूर, और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये ज़रूर फ्रेश लगता है। इसमें फ्लोटिंग जो पूरा लेआउट है वो आप देखेंगे तो फ्लोटिंग लेआउट आपको बरकरार किया गया है, और ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका आप सारा का सारा गेजेस देखेंगे तो ये भी अभी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल डिज़ाइन लगता है। यहाँ पर भी थोड़ा अगर ऑटोमेटिक IRVM ऑफर कर दिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो सबसे बड़ा मिस आउट पॉइंट है वो इस गाड़ी में सनरूफ का ना होना। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर निसान इंडिया कंसिडर करती है अपनी अपकमिंग किक्स में, या फिर जो इनका अगला जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, तो बहुत ही शानदार रिस्पांस आने वाला है, क्योंकि निसान का जो सर्विस सेटअप है या फिर जो इनका एक मार्केट पेनिट्रेशन है वो ऑलरेडी काफ़ी शानदार है, इनकी सर्विस से भी लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। महिंद्रा ने भी जो अपनी बुलेरो है उसके साथ यही करा, क्योंकि इनके पास जो TUV 300 आती थी वो उन्होंने एक प्रीमियम कस्टमर फ्रंट को देखते हुए बनाई थी, लेकिन उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, वहाँ पर कमी आ रही थी ब्रांड नेम की। तो उन्होंने बुलेरो नियो एक ब्रांड है, बुलेरो है ब्रांड है, एक जितना बड़ा महिंद्रा है उतना ही बड़ा बुलेरो भी है, तो TUV को बुलेरो नियो की तरह मार्केट करके उन्होंने एक नया ब्रांड नेम लाके कस्टमर्स को दोबारा से पकड़ लिया, जो कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो निसान की जो किक्स है उसमें कमी कोई नहीं है, बस प्रॉपर इसका प्लेसमेंट करने की देरी है, और उसके बाद ये गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। गाड़ी में जो बूट स्पेस है वो भी करीब 400 लीटर का है, वहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं है, बड़ा बूट स्पेस है, सेकंड रो में सीट्स भी काफ़ी इनफ है, क्योंकि गाड़ी की जो लेंथ है 4.3 मीटर के आसपास है, तो आसानी से ये अकोमोडेट कर लेती है 5 लोगों को, और कोई शिकायत नहीं है। और अभी कंपनी मैंने कहा कि इसमें आपको 15,000 डिस्काउंट दे रही है टर्बो पेट्रोल में, और जो 1.5 लीटर का पेट्रोल है उसमें 8,000 का आपको एक्सशोरूम में डिस्काउंट मिलेगा, और आपको एक कैपेबल गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन वही है कि आप थोड़ा सा लैग करेंगे फीचर फ्रंट में और डिज़ाइन फ्रंट में, और परफॉर्मेंस और प्लेटफॉर्म फ्रंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मैग्नाइट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मैं इसे कहूँगा, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कहूँगा, जिसको एक बजट में गाड़ी लेनी है तो वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं, आपका बजट 10 से 12 लाख है तो आप मैग्नाइट में जा सकते हैं, और अबव अगर आपका 17 लाख है, 15 से अबव आपका बजट है तो आप किक्स को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रुक जाएंगे अभी तो उसमें भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि निसान ज़रूर आपको इसमें कुछ ना कुछ धमाकेदार देगा। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ।